देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस हाईकमान के नेतृत्व और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के दिशा निर्देश पर जिला कांग्रेस यमुनानगर की ओर से डीसी दफ्तर के सामने बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई की मार भाजपा सरकार और महंगा राशन महंगा तेल मोदी फेल के नारे लगाए गए। श्याम सुंदर बत्रा कोऑर्डिनेटर जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व चेयरमैन जिला परिषद जिला यमुनानगर ने कहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी राहुल गांधी और कुमारी सैलजा के नेतृत्व में जनता को महंगे दामों पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस खरीदकर सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाते थे और अब मौजूदा सरकार ने 137 दिन चुनाव के बीतने के बाद पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में एकदम बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। रसोई गैस में एकदम 50 रुपए बढ़ाकर गृहिणियों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और सरकार ने कंपनियों के साथ मिलकर मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मौके पे भी देखा, आज जिला यमुनानगर के सभी कांग्रेसजन मंडी गेट में इकट्ठे हुए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारी बहुत ही लोकप्रिय सर्वमान्य नेता प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ धरना दिया गया। उसके बाद डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा गया कि ये बढ़ती हुई महंगाई को वापस लें और ये जनता को तंग करने से बाज आए। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। इलेक्शन खत्म होते ही इन्होंने 50 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए और रोज ये 80 पैसे 90 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ा रहे हैं। इस बात से इन्हें परहेज करना चाहिए। जनता को तंग करने से ये बाज आए, जनता इनको सबक सिखाएगी। जय हिंद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।